नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। हरियाणा में जेजेपी बीजेपी का गठबंधन टूटने के बाद अब दोनों पार्टी नेताओं की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला द्वारा भाजपा से गठबंधन करने की गलती के सवाल पर सीएम नायब सैनी ने पलटवार किया है और कहा कि दुष्यंत को पश्चाताप करना चाहिए। वहीं इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला द्वारा करनाल में एक होकर सीएम को हराने पर भी सीएम ने तंज कसा और कहा कि अभय समर्थन बांटते घूम रहे हैं। सीएम नायब सैनी शनिवार को करनाल में ओलावृष्टि से खराब हुई फसल का जायजा लेने पहुंचे थे। इसके अलावा भी सीएम ने करनाल में अनेक कार्यक्रमों में शिरकत की। आज मैं स्वयं ही जहां प्राकृतिक कल आई है और हमारे किसानों की फसल भी वहां खराब हुई है, स्वयं ही मैं उस क्षेत्र के अंदर गया था। हमारे विधायक राम कुमार जी और हमारे जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी और हरविंदर कल्याण जी का भी कल फोन आया था। हरविंदर कल्याण जी ने भी कहा कि आप वहां पर ज़रूर आएँ और मैं आज उस क्षेत्र का दौरा किया है। मैंने कल ही इस बात के आदेश कर दिए थे जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है उसको खोला जाए और हर गांव के अंदर आज हमने सभी ने कहीं पटवारी को भेजा है, कहीं कानूनगो को भेजा है, कहीं तहसीलदार को भेजा है। एक भी गांव ऐसा नहीं है जिस गांव के अंदर पटवारी कानूनगो या तहसीलदार ना हो। वो फिजिकल भी जा करके जो नुकसान हमारे किसान का इस ओलावृष्टि के कारण हुआ है ताकि उसकी भरपाई की जा सके उसके हमने आदेश दिए हैं और हमारे किसान को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। में क्योंकि पहले भी सरकार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी थी और अब भी किसानों के साथ खड़ी है। जल्दी ही उसकी रिपोर्ट आ जाएगी और उसकी भरपाई करने का काम वो किया जाएगा। आज करनाल का दौरे पे है, आज कई कार्यक्रम रखे गए हैं इलेक्शन को लेकर। हाँ, आज यहाँ मैं दोपहर से कई कार्यक्रमों का लोगों से मिलने का है, उनसे बैठने का है, बातचीत करने का है क्योंकि यहाँ से चुनाव है और दो कमल के फूल यहाँ से खिलने हैं। मनोहर लाल जी कमल का फूल लेकर के दिल्ली में जाएंगे और करनाल की जनता एक कमल का फूल लेकर के चंडीगढ़ में जाएगी। उसके लिए मैं लोगों से मिलने के लिए आया हूँ, बातचीत करने के लिए आया हूँ क्योंकि पिछले दिनों में जो काम हुए हैं करनाल की एक नई तस्वीर बदलने का काम इन 10 वर्षों के अंदर 9.5 वर्षों के अंदर ये मनोहर लाल जी ने किया है। उन कामों को हम आगे बढ़ाने का काम मजबूती से करेंगे। दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं जो हमने साथ दिया था वो हमारे से गलती हो गई। गलती हुई है फिर उसको पश्चाताप उनको करना चाहिए, उनको करना चाहिए उसका पश्चाताप अगर उनसे कोई गलती हुई है। परंतु हम ये कहते हैं कि मनोहर लाल जी के कार्यकाल में, क्योंकि उनका कार्यकाल भी देखा है जिस प्रकार का कार्यकाल उनका रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने विकास की एक नई गति दी है, विकास की एक नई दिशा तय की है, चाहे देश है चाहे प्रदेश है, हर लोगों तक विकास को गति से पहुंचाने का काम किया। जो समस्याएं थी उन समस्याओं का समाधान करने का काम यह हमारी अभी चौटाला जी ने कहा है कि पहले चरण नहीं। देखिए लोगों का जो उत्साह जो जोश देखने को मिलता था नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को वो अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि गरीब तक ये पहली बार नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ पहुँची हैं, उनका लाभ पहुँचा है और लोग बड़े मैंडेट के साथ नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना रहे हैं। और जितने सीटों के ऊपर चुनाव हुआ है कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की ही सीटें बड़े मैंडेट के साथ हुआ। यूपी में अभी चौटाला जी ने कहा है कि नायब जी अभी चौटाला ने कहा है कि कई कारण हो सकते हैं क्योंकि फसल अभी पीक पे है और हर व्यक्ति लगा हुआ है। हमने फिर भी लोगों से आग्रह किया था कि काम को छोड़ करके इस देश के राष्ट्र के विकास के लिए वोट पोल करें और लोग उस बात को भी समझ रहे हैं, परंतु समय का ऐसा है क्योंकि फसल का पीक है, हर व्यक्ति उसके अंदर लगा हुआ है। लीजिए नायब जी अभय चौटाला ने कहा है कि विधानसभा में अगर उम्मीदवार इकट्ठे होते हैं तो नायब सैनी की हार निश्चित है। पहले वो अब कर लो इसी में कर लो। अभय चौटाला साहब को मैं क्या कहूँ क्योंकि अभय चौटाला वो जन का विश्वास खो चुका है। अब वो कभी किसी को समर्थन देता हुआ घूम रहा, कभी किसी को समर्थन देता हुआ घूम रहा। दे ले भाई तेरे पास जो कुछ है या तो भी दे ले और क्या